ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगियाँ, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के तेरे मंदिरों में माई, मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने दस भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरवाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। जम्मू में काली रात है, मैं
उनके नाम का भी एक बैच लगाना चाहता हूँ, वो नहीं आ पाए, लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए उनका बहुत ही योगदान बहुत ही सराह रही है। मैं उनका दिल से अपनी कमेटी की तरफ से उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके बाद मैं माता सती के चेला जी श्री धर्मो को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कि उन्हें बैच से सम्मानित करें। वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है कर सकते हैं। थैंक यू एंड टीम, प्लीज जल्दी से स्टेज पर आए और अपना सेटअप तैयार करें। थैंक यू। पर बुलाना चाहूंगा इन्हें बैच लगाने के लिए, बुलाना चाहूंगा और उन्हें बैच से सम्मानित करने के लिए लब्बू को माता सती के पुजारी जी श्री मुखोली राम जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कि उन्हें भी बैच से सम्मानित किया जाए। और इसके बाद बंदा एंड टीम श्री चमन जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मंदिर कमेटी की टीम में शामिल बोटी राम राम बोटी श्री बंदा एंड टीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माँ के नाम का कोई भी हम कार्यक्रम माँ के नाम का तैयार किया हुआ है, बिल्कुल ही इनका कंट्रीब्यूट रहा है सुबह से लेकर अभी तक और पूरी जिम्मेदारी के साथ ही अपना नए प्रधान ये आदर्श शिव मंडल भोई के द्वारा बहुत सारे भक्त जनों ने पीयूष कुमार और लबू को बैच लगाकर सम्मानित करें। इसके बाद उन लोगों को हम बैच लगाएंगे अभिनय राम जी को, ऐसा प्रांगण बनाया गया है कि हम सब का आप सब लोगों का सहयोग से ये चीज बनाई हुई है। इसके लिए बहुत सारे भक्तजनों ने बहुत सहयोग किया है, चाहे वो क्षमता हो चाहे वो चंदा हो, सभी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और माँ से कामना करके बुलाना चाहता हूँ इन्हें भी बैच लगाकर सम्मानित करें। मैं कमेटी की तरफ से और अपनी तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मुझे फक्र है कि इस तरह के श्रद्धालु इस तरह के बब्बल उब्बल मोल, और मैं एक नाम जोगिंदर कुमार ने भी बहुत ही मतलब बहुत एक बार ताली पंटी जी तो कहते कि नूर मिलता है सरूर मिलता है, नूर मिलता है सरूर मिलता है, जो आता है सच्चे मन से माँ सती के दरबार में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। वो सच्चे दरबार की के साथ
उनका सहयोग दे रहे हैं क्योंकि एक राजा दक्ष की पुत्रियों में से सर्वगुण संपन्न थी। वैसे तो राजा दक्ष की बहुत सारी पुत्रियां थी लेकिन उन्होंने बहुत तपस्या के बाद बहुत आराधना की और उन्हें एक सती के नाम की पुत्री प्राप्त हुई और वो बहुत ही सर्वगुण संपन्न थी। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए अपनी शक्तियों से। जैसे ही माँ सती का विवाह भगवान शिव जी भोलेनाथ से हुआ तो उसके बाद वो कैलाश पर जाकर माँ सती जो है वो भगवान के पास रहने लगी। कहते हैं एक बार राजा दक्ष ने अपने घर में एक यज्ञ रखा हुआ था जिसमें सभी देवी देवताओं को वहां पर बुलाया हुआ था लेकिन भगवान शिव को उन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन जब माँ सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला कि मेरे पिता ने एक यज्ञ रखा हुआ है तो उसका भी मन ललचाया और वो कहने लगी कि मुझे भी वहां जाना है। लेकिन भगवान शिव जी ने कहा कि जब स्त्री का विवाह हो जाता है तो वो पूर्ण रूप से एक पति की हो जाती है, उसका नाता अपने पिता के घर से बिल्कुल कट जाता है। भगवान शिव जी के मना करने के बाद भी वो अपनी जिद से नहीं हटी कि आप वहां जाएंगे तो आपका अपमान होगा। लेकिन सती ने कहा कि मेरी बहनें आई होंगी, मैं उनसे भी मिलाऊंगी और जो यज्ञ रखा हुआ है उसमें भी होवाऊंगी। तब भगवान शिव जी ने कहा कि आपकी मर्जी, आप जाना चाहते हैं तो जाइए। तब माँ सती फटे पुराने कपड़ों में उस यज्ञ में अपने पिता के घर में पहुंच गई और जब वहां पहुंची तो सभी देवी देवताओं को देखकर माँ की आंखें लाल हो गई। उनके पति को वहां गैर हाजिर देखकर उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ और अपने पिता से कहने लगी कि आपने सभी को बुलाया हुआ है, जो तीनों लोग ज्ञाता है वो यहाँ नहीं आए हैं, आपने उन्हें क्यों नहीं बुलाया। तो राजा दक्ष जो थे वो भगवान शिव जी को नहीं मानते थे। एक बार की बात है कि इसी तरह एक देवी देवताओं का कोई छोटी सी एक मीटिंग चली हुई थी, उसमें जब राजा दक्ष आए थे तो सभी देवताएं देवी देवता खड़े होकर उनका सम्मान करने लगे लेकिन भगवान शिव जी थोड़ा जिद्दी थे, वो नहीं उठे और बैठे रहे। उस बात को लेकर राजा दक्ष जो है वो भगवान शिव जी से थोड़ा गुस्सा में थे। जब माँ सती ने सभी देवताओं से पूछा कि भगवान शिव जी को नहीं बुलाया, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। इतना देखकर उसे बहुत अपमान महसूस हुआ और उसने माँ सती के उस यज्ञ में ही जब वो अपने पति से मायके गई थी उस वक्त भगवान शिव जी ने अपने एक वजीर को जिनका नाम वीरभद्र था उन्हें भी साथ में भेजा था। जब सती ने अग्नि में अपने आप को भस्म किया तो राजा जो दक्ष था उनका मस्तक वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से उसे चीर दिया और उन्हें मार दिया। और जब भगवान शिव जी को अपनी पत्नी के बारे में पता चला कि उन्होंने अपनी अग्नि में अपनी आहुति दे दी है तो भगवान शिव जी हवा की तरह उड़ते हुए वहां पहुंचे और मां सती का शरीर लेकर तीनों लोकों में बहुत रफ्तार के साथ चलने लगे। तो हवा पानी जल सब कुछ रुक गया। तब सभी लोग डर गए, सभी देवी देवता डर गए। इतने में भगवान विष्णु ने ऐसी लीला रचाई कि अब क्या किया जाए। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती का शरीर को जो दहन हुआ शरीर था उसको अपने चक्रव्यूह चलाकर उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, जिसके 51 टुकड़े हुए। आज वो जाने जाते हैं 51 शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। जैसे जहां जहां उनका गंध अंग गिरा वहां वहां माँ सती का मंदिर बना, वहां वहां शक्तिपीठ बनी।
थैंक यू वेरी मच और आप सभी का धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है कि युवक मंडल के लिए ये बधाई के बाद युवक मंडल की तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए और उनके सद्बुद्धि के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी एंड टीम। खुशियां ही खुशियां दे जावे, तेरा मंत्र जो भी पढ़ता हो जय माला माल, मेरे गणपति वीर दयाल शिव गौरव दे। हाथ ऊपर करके हो जाए, आवाज आनी चाहिए। खाना खा लिया आपने? तुम रखियो हमारा ध्यान, जय जय जोड़ा सारी I'm
ताली ना पेड़े 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 ताली लगाने वाले केड़े पेड़े 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 के आओ सारे दर नचिए के आओ सारे दर नचिए मेला लगिया मैया
किस्मत वाले होते हैं। तनु बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तनु बुलावा मैं हाथ ऊपर करने के लिए कह रहा हूँ, ताली बजाने के लिए, साथ में जगा रहा हूँ उनके लिए। जरा जोर से बोलो जय माता, ओ सारे बोलो जय माता, मां पारकारी मां कष्ट निवारी, मां देवे दर्शन मां जोड़े दर्पण, ओ जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी। कहते
Yeah.
Yeah.
वो मेरे जब से लाके शाम पग में घूंगर आर्यवाद की राधा आहा
और सबको माता रानी तरफ We'll be right back.
हाजरी मां के चंदों में लगानी है। ये जरूरी नहीं कि मां पैसे से आशीर्वाद देती है, उसे बिना के आशीर्वाद देती है। पैसे कोई जरूरी नहीं रखते, पैसा मायने नहीं रखता। इसके अपने दर भी बुलाना, यदि शामिल है तेरी रजा में, तेरा जलवा मुयस्सर किसी को तो किसी को नहीं। यूं तो हर हर है जमाने में, लेकिन तेरे दरसा कोई एक नहीं। तो पैसा मायने नहीं रखता, ये नहीं सोचना माँ बिन पैसे के भी आशीर्वाद देती है। वो तो देने आई है, वो देकर कुछ है। खड़े होकर सबने हाजरी लगाई। मिल गया माँ का जाना तेरे नाम का, मिल गया माँ का जाना तेरे नाम का, हो गया मैं दीवाना तेरे नाम का, मिल गया माँ का जाना तेरे नाम का, मिल गया माँ का जाना तेरे नाम का, हो गया मैं दीवाना तेरे।
घर दाती कर नवा बसेरा करूं रोज तेरा गुणगान अच्छा लगा हो तो ताली बजाइए। एक और बांसुरी की धुन आपको
सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की।